ब्राह्मण किया ना कोई प्रणाम, बोले पिताजी अगर कौन ब्राह्मण प्रणाम करो, मैं 33 करोड़ देवता तो मुझे बहुत नहीं कर रही। ब्रह्मा जी बोले बेटा को हुआ तुम्हारे, ऐसे तपस्या करता चला गया तो एक दिन उच्च स्थान को प्राप्त कर लेगा जी, लेकिन मैं तो तेरा बाप हूँ, कोई बात नहीं मेरे से कह दी, लेकिन उस विष्णु से मत कह देना जी, तेरे को बहुत दुख झेलना पड़ेगा सारे। और जी कथा चल रही है जी, मौज मस्ती का ठीक है। जपते रहो रे हरि की माला, विष्णु से मत कह देना इस बात को। और नारद जी को तो अभिमान था, कहने लगे उस विष्णु को भी देखता वो माया काम तीनों को जीत लिया, बात क्या है। क्षीर सागर में नाग सैया पर लेटे हुए हैं भगवान विष्णु, ध्यान से सुने भैया कथा को, जितना सुने उतना नींद आया तो कह देना आप मेरे हैं, हमारे रोजाना के कार्यक्रम में हम भी चले जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी कथा है, आज भगवान विष्णु को महसूस हो गया कि नारद को अभिमान हो गया है मेरे पास आ रहा है, तो जिधर से भगवान बैठे लेट रहे थे नारद आयो, उधर से अपने मुख को फेर लिया, पीठ कर ली। और नारद खड़े खड़े सोच रहे सारे, देख जाए अभी मैं मरम की मालम ना, कि मैंने मोह माया काम तीनों को जीत लिया है। कुछ देर बाद जब भगवान विष्णु ने मुख को फेरा तो बोले नारद जी बैठिए सिंहासन पे। नारद जी बोले अब मैं सिंहासन के योग्य नहीं, आसन के योग्य नहीं, सिंहासन के योग्य हूं। बोले क्या मतलब? अरे मैंने मोह माया काम तीनों को जीत लिया है। बोले नहीं, तो मैं छोटी सी कमी रह गई है, अगर जाए तुम्हें संग चले तो पूर्ति करवा ला। आज भगवान विष्णु नारद के अभिमान को खत्म करने के लिए जंगल में ले गए, और भगवान ने माया से एक सुंदर ताल बना दिया है सजीत भैया। और क्या होगा सुनो, के माया पे प्रभु ने, के माया ते प्रभु ने तालो बनवायो है, माया ते प्रभु ने तालो बनवायो है। भगवान विष्णु ने सुंदर ताल बना दिया, और नारद से जवाब दो बेटा नारद देखी ताल के सोच, बोले बहुत सुंदर महाराज। पाकी रोशन खुद नहीं मानी, नारद को प्रभु ने जालों में फंसायो है, माया से प्रभु ने तालों बनवायो है। भगवान विष्णु बोले बेटा नारद सुन, यह ताल में एक बड़ी बहुत हुई है। बोले काहे महाराज? भगवान विष्णु करे के सुन के त्यारे सकल भी घन मिटी जाए, मुनि जा जल के नायरे, तेरी समस्या दूर हो जाएगी। सोई भगवान के गुरु का मन करने लग गया, मैंने एक कल्प तपस्या कर ली है, दो कल्प हो जाएगी। सोई सौ देवता लाइन में लगाए जाएंगे, लेकिन भगवान विष्णु ने कही के बेटा नाराज
सुनी जबी होगी जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे। बोले महाराज ब्रह्म मुहूर्त कब आवे? बोले बस एक मिनट रहेगी। बोले महाराज एक मिनट में तो मैं अपने कपड़ों में मुसा दिखावे। जल्दी करो ना मन से खुश आए मुनि जा जल के नहवे। जल्दी करो ना मन से खुश आए मुनि जा जल के नहवे। नारद ने कही एक कल तपस्या कर ली मैंने, दो फल हो जाएगी मेरी तपस्या। और नारद जी ने क्या किया तारा मामा सुनो। पारे धरे सरोवरी पार पे कोई बिहारे बसते रामायण से, लेकिन रामायण से नहीं है, भागवत से बताए। प्रमाण बता दूंगा मैं। बेटा नारद जल्दी कर ले नहीं, ये आप ही में तो हुआ नहीं रह गई है बता रहे। अरे तू अकेला गाई नारद ने कोई बन गए नर से भैया। शास्त्री व्यास कहते हैं कि नर का नर पैदा होता है, नारी का नारी होता है। ये प्रमाण की बात है, शास्त्र की बात है। नारद जी से नारी बना दिया भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु ने क्या किया? बिरारे बासरायो छाई के कोई हरे भाए अंतर ध्यान। भगवान विष्णु ने नारद से नारी बना दिया और बीड़ा वस्त्र ने उठाए के अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान विष्णु ने इतनी सुंदर नारी बना दिया नारद को और इतनी सुरत बना दी कि हमारे घर गुरु कहा है, हमारे नाम कहा है, हमारे माता पिता कौन है। सो नारद जी उत्तर पर बैठ के नारी के रूप में रोने लगे। भैया कैसे? दूसरा के बेटी तालकी पारी नुए जैसे रास्ता को भूली। भारत देश में आप लोग संचालित कर रहे हैं भजनों को, डांसों को, इस धार्मिक कथा को भी डाल के देखो आप लोग कितने लोग जोड़ते हैं। आए न दुनिया होटने पे खटके सजा के।
सके भैया हम जाए तो जाए कहा। उधर तालध्वज राजा वन में शिकार खेल रहा था।